हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आप लोगों के लिए एक और हेल्प लेकर आई हूँ। डबल इंक्रीज किस तरीके से किया जाता है, काफी अलग अलग तरीके होते हैं डबल इंक्रीज करने के। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने चार तरीके रखे हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका जो होता है वो बताऊंगी, और इजीएस्ट वे, और उसके भी अलग अलग तरीके ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी किस तरीके से आप डबल इंक्रीज कर सकते हैं। अब डबल इंक्रीज आपको जहाँ भी जिस प्रोजेक्ट में भी जरूरत होगी, उस हिसाब से जो मैं चार बता रही हूँ उस हिसाब से उस एक टेक्निक को उठा के आप वहाँ पे डबल इंक्रीज कर सकते हैं। अब डबल इंक्रीज ज़्यादातर हम टॉप डाउन में करते हैं। टॉप डाउन में जब हम ऊपर से गले से बनाते हैं तो डबल इंक्रीज करना होता है, और उसी तरीके से आप स्कार्फ बनाते हैं उसमें करना होता है, या आप कोई कोई जो सॉक्स बनाते हैं उसमें भी करना होता है। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी। अब सबसे पहला जो तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका है इसका, डबल इंक्रीज का। आप ये देखेंगे इसकी जो शक्ल है इस तरीके से आ रही है, देखेंगे आप। अब ये किस तरीके से मैंने किस टेक्निक से किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो टेक्निक है मेरी, तरीके से करेंगे देखेंगे। ये देखेंगे आप, इसका जो लुक है बहुत सुंदर सा आता है सेंटर में। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब पहला तरीका जो आपने, पहले ये सेंटर के फंदे तक आप इस तरीके से ले जाइएगा, ये देखिए, ये है आपका सेंटर वाला फंदा जिस पे आपने डबल इंक्रीज करना है। अब कैसे करना है, पहले हम बैक साइड से, ध्यान से देखिएगा, ये है बैक साइड से, इसमें ऐसे बैक साइड से इस तरीके से डाल के फंदा निकालेंगे, फिर फ्रंट साइड से डालेंगे ऐसे और फंदा निकालेंगे। ये निकाल लिया आपने, अभी आपने एक ही इंक्रीज किया है, अब दूसरा भी इंक्रीज करना है हमने, क्योंकि दो इंक्रीज डबल इंक्रीज है। तो दूसरा इंक्रीज के लिए ये देखेंगे आप, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये ऐसे दिख रहा है ना, इसे लेकर आपने इसे यहां से डाल के इसे बना लेना है। ये देखिए, ये बन गया इस तरीके से, यानी कि निट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, यानी कि निट बैक एंड फ्रंट इस तरीके से। अब एक बार और दिखा देती हूं, ये देखेंगे आप, ये किया। अब यहां पे दिखाती हूँ, देखिए, पहले आपने बैक साइड से ऐसे लेना है, यानी कि बैक साइड से निट किया आपने, फिर फ्रंट से लेना है ऐसे, ये निट किया आपने, अब ये लेना है, ये देख रहे हैं आप, ये लिया और फिर इसे ऐसे बैक से निट कर लिया। तो आपका ये पहला तरीका है जो इस तरीके की आपकी इसकी, ठीक है, देखेंगे इस तरीके की बैक एंड उसमें डबल इंक्रीज में इसकी शक्ल आती है, देखेंगे। अब आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूं कि किस तरीके से करते हैं। ये तो था पहला तरीका आपका। अब देखिए, ये लीजिए दूसरा तरीका इस तरीके से, ये देखिए, ये एक और तरीका है, देख रहे हैं आप, इसमें और उसमें बहुत फर्क है, ये देखिए। अब ये तरीका क्या है, ये के एफ बी, यानी कि फ्रंट साइड से पहले निट करूंगी, फिर बैक साइड से करूंगी और फिर नीचे से उठा के करूंगी। अब उसे कैसे करूंगी देख लीजिए, ये सेकंड तरीका है। ये आपने पहले सारे फंदे सेंटर के फंदे तक बनाने हैं, ये देखिए, ये बना लिए। अब बनाने के बाद इसमें आपने क्या करना है, ये सेंटर का फंदा है, यहां से लेना है इस तरीके से, इसे बनाना है, फ्रंट से बनाया, अब बैक से लेंगे, इसे बनाएंगे, छोड़ दिया। अब इसके बाद आपको ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये लेना है, बैक से लेना है, फ्रंट से मत लीजिएगा, ऐसे बैक से सिलाई लीजिएगा, और फिर इसे हमने यहाँ से ऐसे करके बनाना है, ये देखिए, ये बन गया। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ, पहले फ्रंट से डालेंगे ऐसे एक फंदा, फिर उसी में बैक से डालेंगे ऐसे दो फंदा, अब यहां से जो है नहीं डाल के यहां से लेंगे, देखें यहां से नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से डालना है, बैक से डालना है और फिर इसे फ्रंट से बनाना है। तो आपका ये देखेंगे आप इस तरीके से यहां भी डबल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका दूसरा तरीका, ये भी आप अपना सकते हैं अपने उसमें, अगर आपने इस तरीके की उसमें दिखानी है, देखेंगे आप ऐसे। अब आ जाते हैं थर्ड तरीके पे। थर्ड आपका तरीका है ये देखिए, ये जो थर्ड तरीका है ये भी बहुत इजी, बहुत ही इजी तरीका है।
तो इसे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये जनरली आप यूज कर सकते हैं अगर आपको वो तरीके थोड़े से टफ लगते हैं। आप देखिए ये सेंटर वाले फंदे से पहले तक हम यहाँ सारे बुनेंगे। ये देखिए ये बुने। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अंगूठे को इस साइड से डाल के, ध्यान से देखिएगा, अंगूठे को इस साइड से डाल के इसमें एक लूप ऐसे बनाना है। ये देखिए ये करा आपने, ये लिया और आपने एक फंदा बना लिया। फिर इस वाले फंदे को बनाएंगे। अब पहले तो आपने ऐसे लिया था, अब आपने ऐसे लेना है। ये देखिए ये लिया और ऐसे ये बनाया और फिर आपने बना लिया। एक और बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे इस तरीके का आएगा उसका। ये देखेंगे यहाँ पे, ये पहले आपने ऐसे लिया इस तरीके से और इस पे डाल के ये बना लिया, फिर उसे बनाया, फिर आपने नीचे से लिया। पहले तो आप अंगूठा ऊपर से ले रहे थे, अब नीचे से लिया ऐसे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरीके से आप इसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इजी वे है इसे बढ़ाना, ये सबसे इजीएस्ट वे मुझे लगा बेसिकली बढ़ाने के लिए। और इसकी जो ये आती है, शक्ल आती है, देखेंगे आप इस तरीके से दिखता है ये जब आप इसे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ वाली, उसमें कि आपको एक और तरीका कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे आप। ये देखिए ये तरीका है हमारा KLL और KRL, यानी कि निट राइट लूप और निट लेफ्ट लूप। आप किस तरीके से, ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये बनाया आपने ऐसे, सेंटर के फंदे तक बनाना है। ये देखिए ये है आपका सेंटर का फंदा, देख रहे हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, इस फंदे से जस्ट नीचे आपको एक ये ऐसे दिख रहा है फंदा, इसे उठाना है, इसके ऊपर डालना है, यहां से ऐसे डालेंगे सिलाई और इसे बना लेंगे। फिर आपने इसे बनाना है, बना लिया। अब यहां से जस्ट नीचे ये लूप दिख रहा है आपको, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये है, ये फंदा है, ऐसे लिया और इसे आपने बैक से बना लिया, तो आपके डबल इंक्रीज हो गया। एक और बार दिखा देती हूँ, देखिए दो फंदे बनाने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखिए ये राइट लूप है, ये लिया आपने ऐसे, इस पे चढ़ाया, इसे बना लिया, फिर इसे बनाया। अब जब इसे उतारा तो ये इससे जस्ट नीचे वाला लूप, ये देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, इससे जस्ट नीचे वाला लूप लेना है और उसको बैक साइड से बना लेना है। तो इस तरीके से आप ये डबल इंक्रीज तरीके से आप जो है डबल इंक्रीज चार तरीके से कर सकते हैं आप। ये देखेंगे, देखिए ये मैंने अलग अलग तरीके आपको दिखा रखे, इसमें से जो आपको इजिएस्ट तरीका लगे वो आप अपने डबल इंक्रीज में यूज कर सकते हैं। मेरे को इजिएस्ट तरीका बेसिकली ये लगता है जहां हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जस्ट अंगूठे को घुमा के उसमें फंदा डालते हैं, बट आप इनमें से किसी में भी जो है किसी भी तरीके को अपना के अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।